गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैंस में एक अलग ही क्रेज है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म में मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी जैसे सितारों के लिए दीवानगी थी और ये फिल्म लगभग सभी ने देखी भी होगी। इसके डायलॉग काफी ज्यादा फेमस हुए थे। यह पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और कई अन्य जैसे सितारों के लिए अपने सफल करियर को शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। दोनों सीक्वल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फैंस लंबे समय से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने चुप्पी तोड़ी और बताया कि अनुराग कश्यप और उनका प्लान क्या है। मनोज बाजपेयी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीसरा पार्ट नहीं बन रहा है, लेकिन उन्हें खुशी है कि वह इस तरह की एक कल्ट फिल्म का हिस्सा बने। अभिनेता ने कहा कि कई बार अनुराग कश्यप ने भी कहा है यह कुछ ऐसा है जिसे लोगों को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर में 3-5 कल्ट फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक है, लोग अभी भी सरदार खान पर इतना प्यार बरसा रहे हैं, वे हर में मीम्स बना रहे हैं। मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं, लेकिन वही कुछ मीम्स काफी शर्मनाक भी होते हैं। यह पूछे जाने पर कि एक अभिनेता के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर सफलता के हकदार है। मनोज बाजपेयी ने कहा, देखिए मुझे नवाज की यात्रा पर बहुत गर्व है, वह बहुत ही अनोखे अभिनेता है। वह ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत दूर से यात्रा की है और वह इसके हर बीट के हकदार है। वह एक जिसकी मैं दूर से प्रशंसा करता हूँ। वर्क फ्रंट की बात करें, मनोज बाजपेयी अगली बार G5 की फिल्म एक बंदा काफी है में दिखाई देंगे। वह फिल्म में एक वकील की भूमिका निभाएंगे। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया। तो क्या आपको भी है गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 का इंतजार? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें फिल्मी संवाद। धन्यवाद।